मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद प्रशासन समय रहते नहीं चेता और बारिश में 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भीग गया। 29,000 मैट्रिक टन गेहूं अब भी बाहर पड़ा हुआ है। समय से परिवहन न होने के कारण यह स्थिति बनी। गेहूं को ढकने के लिए 35 खरीदी केंद्रों में तिरपाल की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। दूसरी ओर सरकार के प्रवक्ता और गृह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कहीं किसानों का गेहूं भीग गया है तो उसे भी खरीदा जाएगा। निसर्ग के चलते बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए और 29,000 मैट्रिक टन गेहूं पूरी तरह गीला हो गया। समय पर परिवहन न करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को ट्रांसपोर्टर पर पेनल्टी लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक कोई पेनल्टी नहीं लग पाई और इन खरीद केंद्रों में रखा गेहूं भीग गया। खरीदी केंद्रों में गेहूं न भीगे इसके लिए भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और सहकारी संस्थाओं के उपायुक्त को आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। सबसे ज्यादा गेहूं बेरसिया में भीगा है। 10 खरीदी केंद्रों पर अब भी 2,000 से ज्यादा ट्रॉलियों में भरा गेहूं किसान लेकर खड़े हैं। उपार्जन केंद्र समिति प्रभारियों ने बारिश के हाई अलर्ट के बाद भी गेहूं की बोरियों को भीगने से बचाने के लिए तिरपाल तक के इंतजाम नहीं किए थे। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने सोसाइटी संचालकों को गेहूं को भीगने से बचाने तिरपाल तथा खरीद के लिए वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था तक नहीं की थी। इधर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि निसर्ग के कारण आई बारिश प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बारिश से गेहूँ प्रभावित होता है तो भी वो खरीदा जाएगा, दाम भी कम नहीं होंगे, समर्थन मूल्य पर ही अब गेहूँ की खरीद जारी रहेगी। 1,25,25,000 मैट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। इसमें से 96% गेहूं प्योर हो गया है, वहाँ रख लिया गया है गोदामों में और जो हमारे पीके बने हुए हैं उनमें पहुँचा दिया गया है। हमारे अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीद बंद हो गई है। जहाँ तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया, गेहूं का नुकसान हो रहा है ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है, ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात पे सहमति है, एक पे असहमति है। तो इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूँ खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया, जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीगने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी वो निसर्गा के कारण से विपूर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं। यह केंद्र से मंजूरी मिल गई है, कल आ भी गई है और किसान की जो चिंता थी तिवड़ा की, वो तिवड़ा की समस्या समाप्त हो गई। इसके बाद भी लेंगे ना, यही तो मैंने कहा है, किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी नहीं, जो शासकीय रेट घोषित होता है उसी रेट पे लिया जाता है, इसमें न तो गिरता है न उठता है। ये भाव जो सरकारी मूल्य होता है वो स्थिर रहता है, सरकारी मूल्य कभी न घटता है और न कभी बढ़ता है, एक बार जो मूल्य घोषित हो जाता है वो ही रहता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।